पता नहीं क्या होगा, अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप यही कहोगे कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट मैं आपको नोटिस करवाऊं कि जब हम कहते हैं कि आई डोंट नो, इट मींस इस बात में ये सर्टेनिटी है कि मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यहां पे जो मैं कह रहा हूं कि पता नहीं क्या होगा, तो इस बात में एक द्विधा का सिचुएशन, एक असमंजस है, एक संशय बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आई डोंट नो के बजाय आपको एक स्पेशल फ्रेज का इस्तेमाल करना होगा, दैट इज नो नोइंग। सो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। दिस इज मेंटोर तहसीन, तहसीन रजा, एंड यू वाचिंग योर फेवरेट वन इंग्लिश कैफे। सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। जी हाँ, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग नो नोइंग के साथ यूज करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो देर इज नो नोइंग व्हाट विल हैपन, पता नहीं क्या हुआ। तो देर इज नो नोइंग व्हाट हैपेंड, पता नहीं क्या होता है ऐसे कंडीशंस में। सो देर इज नो नोइंग व्हाट हैपेंस इन सच कंडीशंस। तो उम्मीद है छोटा सा लेसन लेकिन काफी क्रूशियल लेसन क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही फर्दर इंटरेस्टिंग लेसन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल गाइज। टिल देन एंजॉय माई प्रीवियस लेसन। बाय बाय, टेक केयर।